लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने के बाद से ही सियासत के केंद्र में नीतीश कुमार हैं। इसी बीच राजधानी पटना में एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है टाइगर जिंदा है। इसी पोस्टर को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की हमारे संवाददाता शक्ति कुमार ने। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगा है और उस पोस्टर में नीतीश कुमार हैं और उसमें लिखा है कि टाइगर जिंदा है। इस पोस्टर के क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, आखिर ये पोस्टर के क्या मायने निकाल रहे हैं? भाई, आप पोस्टर के मायने क्या निकालना है? टाइगर जिंदा है, टाइगर पिंजड़े में है, किनके कब्जे में है, ये न महत्वपूर्ण है। टाइगर, असली टाइगर तो सब लोगों ने देखा है। किंग मेकर की भूमिका में है आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, इन्हीं दोनों के दम पर ये सरकार बनेगी और पतवार सरकार के नाव की इन्हीं दोनों के पास रहेगी, नायडू जी और आदरणीय नीतीश जी। तो ये सरकार की नैया हर समय डगमगाती हुई दिखेगी। जिस दिन दोनों पतवार जब्त होगी, नैया डूब जाएगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी गठबंधन की सरकारें नहीं चलाई है। देखना है कि किस तरह से ये सरकार चलती है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इनका कहना था कि जो सरकार है उसकी पतवार जो है नीतीश कुमार के हाथों में है, ऐसे में ये सरकार जो है बनेगी तो कब तक, कितना दिन चलेगी, ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा।